तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है। सुपर संडे का पहला मुकाबला केकेआर गुजरात के बीच होने वाला है और इस गुजरात और केकेआर के मैच में क्या फैंटेसी हो सकती है, क्या लोग मतलब टीम बनाए, क्योंकि फैंटेसी को लेकर लगातार आप लोग को उम्मीद करते हैं, तो हम लोग भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाते हैं फैंटेसी को लेकर। तो क्या फैंटेसी होनी चाहिए इन दोनों टीमों के बीच में? देखिए, सबसे पहले मैंने प्लेइंग इलेवन बना दी है, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं, वहां पर आपको प्लेइंग इलेवन मिल जाएगी। अब फैंटेसी का क्या, देखिए फैंटेसी में मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि फैंटेसी में अपनी खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस, नंबर और विपक्षी टीम की ताकत, ये हमेशा याद रखना। अगर आप इन चीजों को याद रखते हैं तो आप कभी मार नहीं खाएंगे फैंटेसी में। खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस, विपक्षी टीम और कैसा मैदान है, मैदान पिच रिपोर्ट भी बहुत जरूरी है, पिच रिपोर्ट भी बहुत जरूरी, किस तरीके के गेंदबाजों को मदद मिल रही है, स्पिनर्स को तेज गति के पिच कैसी है, उछाल है नहीं है, बल्ले पर गेंद आएगी कि नहीं है, एवरेज स्कोर क्या है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं। अब यहां पर क्या है, देखिए ये जो मैदान है, सबसे पहले मैं आप लोगों को मैदान बता देता हूं। ये मैदान जो है बाउंसी पिच है, तेज गेंदबाजों को थोड़ा शुरुआत में थोड़ी सी मदद मिलेगी, गेंद उतनी टर्न नहीं होगी, बड़ा मैदान है, छक्के चौके लगाने उतने आसान नहीं भी होंगे, लेकिन बल्लेबाजी वाला मैदान है, यहां पर बल्ले पर गेंद आएगी, रन बनेंगे, 180-90 रन, 200 रन भी बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बल्लेबाजों के लिए यहां शुरुआत में जरूर 2-3 ओवर थोड़ा सा कुछ मुश्किल होने वाली है, लेकिन उसके बाद में बल्लेबाजों के लिए यहां पर गेंद आएगी बल्ले पर, बड़ा स्कोर बन सकता है यहां पर। अब यहां पर क्या हो सकता है, ये मैं आप लोगों को दोनों टीमों की तरफ से पहले 5-5 खिलाड़ी बताऊंगा, उसके बाद में 100% के साथ साथ फिर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। 100% मेरे हिसाब से शुभमन गिल, 100% ले लेना मेरे भाई, बल्ला चलेगा, 100% बल्ला चलेगा, आप यकीन मानना। उसके बाद में मुझे लगता है हार्दिक पांड्या, आपको हार्दिक पांड्या पक्का लेना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का घरेलू मैदान है अपना, और हार्दिक पांड्या का मुझे लग रहा है क्योंकि पिछले दोनों मैचों में बल्ला नहीं चला, तो हार्दिक पांड्या के इस मैच में बल्ला चलने वाला है। मिलर को तो आप बिल्कुल मत भूलना, मिलर को तो आप ले लेना, मिलर जैसा खिलाड़ी बाहर रखने वाला नहीं होता है। उसके बाद में आप यहां पर ले लेना राशिद खान, राशिद खान को बिल्कुल मत भूलना, राशिद खान क्योंकि गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते हैं, तो राशिद खान जैसे खिलाड़ी को तो भाई आंख बंद करके हर मैच में ले लेना, आंख बंद करके हर मैच में ले लेना। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि शमी जो है वो आपके लिए यहां पर कारगर साबित हो सकते हैं इस मैदान पर, क्योंकि शुरुआत में गेंदबाजों को मदद है, और शमी जो है ना वो शुरुआत की मदद का बहुत बखूबी फायदा उठाते हैं, पावर प्ले में विकेट झटकने वाले गेंदबाज हैं, तो शमी को आप ले लेना। तो यहां पर 1-2-3-4-5 हो गए गुजरात की तरफ से जो खिलाड़ी आपको लेने हैं। अब बात करते हैं यहां केकेआर की तरफ से कि केकेआर की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी आपको लेने हैं। देखिए, अगर जगदीशन को मौका मिलता है तो आप जगदीशन को 100% ले लेना, ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि जगदीशन जैसा खिलाड़ी आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरबाज नहीं चलेंगे केकेआर के, शायद मुझे ऐसा लगता है गुरबाज नहीं चलेंगे, क्योंकि शमी एक तो सामने वाली टीम में बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, जोसफ बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, और राशिद खान है, राशिद खान गुरबाज की कमियों को जानते होंगे, हार्दिक को पता होगा अगर गुरबाज का बल्ला शुरुआत में चला तो हार्दिक 100% राशिद खान को लगाएंगे और राशिद उनका विकेट चटकाएंगे, क्योंकि राशिद को इनकी कमी का पता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरबाज नहीं चल पाएंगे, ये थोड़ा सा मुझे अपना एक आइडिया है मेरा। अगर जगदीशन को मौका मिलता है तो आप जगदीशन को खिला सकते हैं, शायद वो बेहतर करके दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद के वेंकटेश अय्यर से मुझे उम्मीद हमेशा रहती है, वेंकटेश और नीतीश राणा दोनों में से किसी एक को रख लेना, वेंकटेश अय्यर या नीतीश राणा दोनों में से किसी एक को रख लेना, वैसे तो दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, दोनों का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, लेकिन टॉप ऑर्डर का एक बल्लेबाज आप एक रख लेना, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा दोनों में से किसी एक को आप रख लेना, रिस्क है बहुत बड़ा रिस्क है। उसके बाद में रिंकू सिंह का बल्ला चल रहा है, फॉर्म में भी है, निचले क्रम पर रन बना रहे हैं, तो रिंकू सिंह को रख लेना। यहां पर रसल जैसे खिलाड़ी का बल्ला चल सकता है, मुझे ऐसा लगता है रसल जैसे खिलाड़ी का बल्ला चल सकता है, और रसल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस मैदान पर ज्यादा स्पिनर्स को वो नहीं होगा, बाद में आकर बल्ले पे गेंद अच्छी आएगी, और जिस मैदान पर बल्ले पे गेंद अच्छी आती है वहां पर रसल जैसा बल्लेबाज बहुत घातक हो जाता है, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि रसल का बल्ला चलने वाला है। उसके बाद में सुनील नरेन एक और खिलाड़ी जिसको आप ले सकते हैं इस मुकाबले में, उमेश यादव भी इस मुकाबले में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो ये है, अगर साउदी की जगह फर्गुसन को मौका मिलता है तो फर्गुसन एक खिलाड़ी जो आप जिनको आप ले सकते हैं, फिर आप मिलर और राणा की जगह, मिलर और ये अय्यर और राणा की जगह फिर आप इनको कैंसिल कर देना और फर्गुसन को ले लेना। तो यहां पर क्या हुआ,
जगदीशन एक हो गया, रिंकू दो हो गया, रसल तीन हो गया, नारायण चार हो गया, उमेश पांच हो गया और फर्गुसन छह हो गया। ये आप छह खिलाड़ी केकेआर की तरफ से रख सकते हैं, पांच खिलाड़ी आप गुजरात की तरफ से रख सकते हैं। ये प्लेइंग इलेवन आपकी हो जाएगी अगर फर्गुसन को मौका मिलता है। अगर फर्गुसन को मौका नहीं मिलता है, सऊदी को मौका मिलता है, तो फिर आप जोसफ और सऊदी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जोसफ और सऊदी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा शायद अगर आप इस तरीके की टीम बनाते, क्योंकि जोसफ और सऊदी दोनों में से किसी एक, दोनों विकेट भी चटका रहे हैं और दोनों में से किसी एक को लेंगे तो ठीक है। उमेश यादव जो है वो मेरे हिसाब से बेहतर है, यहां पर इस पिच पर शायद उनको विकेट मिल सकता है। नरेन गेंदबाजी में एक और रसल का यहां बल्ला चल सकता है, जिस तरीके की पिच है यहां पर सीधी बल्ले पर गेंद आएगी तो रसल का बल्ला शायद मेरे हिसाब से चलेगा। रिंकू सिंह बढ़िया कर रहे हैं, फॉर्म में है तो रिंकू सिंह को रखना बहुत जरूरी है। जगदीशन अच्छी फॉर्म वाले खिलाड़ी, इसलिए मैं जगदीशन को लेने को बोल रहा हूं। यहां पर सुनील शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए शुभमन गिल को ले लेना। हार्दिक और नरे मिलर को जरूर ले लेना। राशिद खान और शमी को रख लेना। ये एक प्लेइंग 11 आपकी फैंटेसी की हो जाएगी। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि गेंदबाज चार पांच विकेट लेंगे, नहीं, यहां पर गेंदबाजों को चार पांच विकेट नहीं मिलेंगे। यहां पर बल्लेबाज आपको 70-80 रन बनाने वाला कोई मिल सकता है, क्योंकि पिच जो है वो बल्लेबाजों के लिए बढ़िया है, बड़ा स्कोर यहां पर बन सकता है। तो यहां पर आप शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को कैप्टन बना सकते हैं, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को कैप्टन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, शायद आपको अच्छे पॉइंट शुभमन गिल दे सकते हैं। 60-70-80 रन की एक पारी शुभमन गिल के बल्ले से आ सकती है। एक जगदीशन को अगर मौका मिलता है तो जगदीशन जैसे खिलाड़ी को आप कैप्टन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से जगदीशन भी आपको बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी एक बहुत अच्छे कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों के उम्मीदवार हैं। यहां पर हार्दिक पांड्या भी कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों के बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं। रसल वाइस कैप्टन के बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं। सुनील नरेन वाइस कैप्टन के बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं। यहां पर राशिद खान भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, हमेशा अगर आपको बड़ा अमाउंट जीतना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। जो खिलाड़ी विकेट और गेंदबाजी में गुच्छों से विकेट लेने वाला है या फिर रन भी बनाने वाला है, उसको अगर आप कैप्टन बना देते हैं ना तो कभी कभी आपका तुक्का लग जाता है, छप्पर फाड़ सकता है कभी कभी कमाई में। तो क्या हो सकता है, राशिद खान जैसा गेंदबाज क्या है, वो विकेट भी लेंगे, विकेट टेकर गेंदबाज है, गुच्छों में विकेट लेना जानते हैं, आपको पता है 2-3-4। तो इसीलिए राशिद खान जो है वो बहुत कामयाब साबित हो सकते हैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के तौर पर, क्योंकि वो विकेट लेना जानते हैं। उसके बाद में राशिद खान है, मोहम्मद शमी जैसा खिलाड़ी भी, लेकिन शमी को इतना नहीं, राशिद खान पर आप भरोसा जता सकते हैं। सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, ये वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे मटेरियल हैं। उसके बाद में हार्दिक बहुत अच्छे मटेरियल हैं, और कैप्टन के तौर पर आप शुभमन गिल या जगदीशन को अगर मौका मिलता है तो इन पर आप भरोसा जता सकते हैं कप्तानी के तौर पर। तो ये हमारी जो थी वो फैंटेसी टीम थी। आपका क्या मानना है फैंटेसी टीम पर, अगर आप जीतते हैं मेरे भाई तो हमें भी शेयर कर दिया करिए आपने जीता है, और आप किस फैंटेसी टीम को बनाते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आईपीएल 2023 में आपको ये पूरी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।